तारीख 25 जनवरी सन 2023 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज दो टुक बेबाक खरी खरी बात उच्च शिक्षा के वास्ते स्थापित और अब आए दिन होने वाली खूनी जंग और पत्थरबाजी के लिए बदनाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में मंगलवार की रात हुई खूनी कलह की। दुनिया में JNU आज की तारीख में वो बदनाम शिक्षण संस्थान बन चुका है जहां कब क्या और कौन सी मामूली सी वजह बतंगड़ बनकर कौन सा नया बवाल खड़ा कर दे। चंद फरलांग दूर स्थित दक्षिणी पश्चिम दिल्ली जिले के उस वसंत कुंज नॉर्थ थाने की पुलिस को भी नहीं मालूम होता है जिसके अंतर्गत यह विश्वविद्यालय स्थित है। आखिर साल 1969 से संचालित इस विश्वविद्यालय में जब भी कोई बवाल होता है तब तब यहाँ के मुकदमे अक्सर या तो दर्ज होते ही नहीं हैं, अगर मुकदमे दर्ज होते भी हैं तो फिर उन्हें दर्ज होने में अक्सर कई कई दिन क्यों लग जाते हैं। जानना यह भी जरूरी है कि लड़ाई झगड़ों के अघोषित अड्डे के रूप में बदनाम हो चुके शिक्षा मंदिर में आखिर होने वाले लड़ाई झगड़ों के मुकदमे कैसे पुलिस निपटाती है। पुलिस जानबूझकर की गई लापरवाही के चलते देर से मुकदमे दर्ज करती है या फिर इसके पीछे कोई और विशेष वजह है। टीवी 9 डिजिटल चैनल से विशेष बातचीत में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पूर्व DCP एलन राव कहते हैं, JNU हमेशा से लड़ाई झगड़े का अड्डा नहीं था। थोड़े बहुत विवाद तो दुनिया के हर उच्च शैक्षणिक संस्थान में होते देखे सुने जाते रहे हैं। JNU तो मगर पढ़ाई की आड़ में राजनीति का अड्डा अब बन चुका है। शायद ही कुछ महीने शांति से गुजर पाते होंगे कि उसके बाद कोई नया शगुफा न छोड़ दिया जाता हो। आगे पूछे जाने पर रिटायर्ड DCP एलन राव यानी लक्ष्मी नारायण राव कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ स्टूडेंट्स के कंधों पर रखकर नेता अपनी बंदूकें चलाते हैं और बदनाम स्टूडेंट्स होते हैं। मैं यहाँ कई गुटों को जानता हूँ मगर किसी का नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ एक गुट नहीं है, यहाँ इतने गुट हैं कि जिन्हें अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो उनकी तुलना में यहाँ पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो समझिए नगण्य ही साबित हो जाएगी। अब तो हालत ही बदल चुकी है। कैंपस में पढ़ने आए स्टूडेंट्स और बाहर से ही इनके कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाले राजनीतिक दल एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते हैं, भले ही बदनामी कितनी भी क्यों ना हो जाए। हालांकि कैंपस में होने वाले आए दिन के बवालों से बाहर बैठे राजनीतिक दलों और नेताओं की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नुकसान उन स्टूडेंट्स का ही होता है जो JNU में उसे बेहतर रिसर्च विश्वविद्यालय समझकर जाने अनजाने आ जाने की गलती कर बैठते हैं। पूछे जाने पर दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ACP अशोक सक्सेना कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि पुलिस सुस्त रहती है। दरअसल यह यानी JNU कोई घोषित क्रिमिनल अड्डा नहीं है, यह विश्वविद्यालय उच्च शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं रहते हैं। यहाँ जब भी झगड़ा फसाद होता है तो वो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स या फिर स्टूडेंट्स वर्सेस यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच ही होता देखा जाता रहा है। लिहाजा ऐसे में पुलिस बेहद सोच समझकर कानूनी कदम उठाती है। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ACP अशोक सक्सेना एक सवाल के जवाब में कहते हैं, मैंने दिल्ली पुलिस की 40 साल थानेदारी से लेकर ACP तक की नौकरी की है। उस अनुभव से कह सकता हूं कि अगर मैं भी ACP बसंत कुछ सब डिवीजन होता या बसंत कुछ थाने का SHO रहा होता तो मैं भी आंख बंद करके मुकदमा दर्ज नहीं कर देता बिना सारे पक्षों के बारे में फैक्ट्स जाने हुए, क्योंकि छात्र हैं ये, पुलिस की एक FIR दर्ज होते ही इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। जहां तक बात मुकदमे में देरी की है तो मैं देरी होना गलत नहीं मानता हूं। जल्दबाजी में किसी बेकसूर छात्र के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर देने से बेहतर है कि पुलिस असली गुनाहगार को ढूंढकर उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। ऐसा ना हो कि पुलिस की जल्दबाजी में किसी बेगुनाह छात्र की जिंदगी सिर्फ एक अदद FIR दर्ज होने के बाद बर्बाद हो जाए। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। गुरुवार रात में रिलौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।